गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 4:15 हो रहे हैं। पहले मैं इतना जल्दी नहीं उठता था, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी उठूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। अभी जल्दी अपने डे को स्टार्ट करते हैं। उसकी शुरुआत करेंगे गर्म पानी के साथ, क्योंकि ठंड अभी पूरी तरह से गई नहीं, सुबह में तो ठंड लगता ही है। सभी गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी अपना टाइमर ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो टाइमर ऑन करके कर रहा हूँ। तो टाइमर ऑन करने के बाद मैंने आज का अपना ये लिखा था कि मुझे मंथ मार्च में 30 मार्च तक क्या क्या करना है, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स मेरा 3 मंथ का कंप्लीट करना है, ये तो फिक्स है, क्योंकि अब थोड़े से स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी मेरा फर्स्ट सेशन में जो चल रहा है वो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर चल रहा है, कि मुझे कोई एक टॉपिक में उठा दूँ। लेट सपोज जैसे कि इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट को मैं उठाता हूँ। इन्वायरमेंट में जितने भी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में दिया हुआ है वो सारा मैं पढ़ता हूँ, मेरे एक भी करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना होता है मैगजीन से। सो इसको अभी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तो इस मंथ में मुझे तीनों मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। एक दिन में मेरा एक सब्जेक्ट तो कम्प्लीट होना ही होना होता है, चाहे उसके लिए 4 घंटा लगे 5 घंटा लगे, डजेंट मैटर, एक दिन में मुझे वो कम्प्लीट करना होता है। तो अभी इसको कम्प्लीट करेंगे जो कि अक्टूबर मंथ का है। मैं अभी इन्वायरमेंट ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने इकोनॉमिक्स किया था, इकोनॉमिक्स के बाद मेरा जो है वो इन्वायरमेंट ही आएगा। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके उसका रिविज़न भी करना होता है और साथ में क्वेश्चन भी लगाना होता है, क्योंकि आपको ये पता चलते रहे कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जल्दी से इसको कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि इसको कम्प्लीट करने में अप्रॉक्स मुझे जो लग गए थे 2 घंटे लग गए, 2 घंटे तो लग ही गए थे, 2 घंटे लग गए थे। फिर इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। फिर अभी चाय वाय पियेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में भी चाय नहीं पिया था, तो अभी तो चाय तो बिना पिए रह नहीं सकते, क्योंकि टेबल पे तो बैठा ही नहीं जाता बिना चाय पिए। तो अभी चाय बनाएंगे, उसके बाद जो क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसको सेकंड स्लॉट में भी वही कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, दिन हो गया, देखिए ये लाइट पूरा आ गया। पहले ठंड जब था उस समय इतना नहीं होता था, ठंड तो जब था उस समय तो रात ही रहता था, अभी अंधेरा ही रहता था, अभी लाइट आ चुका है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर, चाय वाय पी के थोड़ा सा रेस्ट करके मैं बैठ गया फिर से सेकंड सेशन के लिए, जो कि मेरा अगेन इन्वायरमेंट ही रहने वाला था, क्योंकि मुझे ये पूरा कंप्लीट करना था अपना। सो इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन पे। उसके बाद कुछ देर का मैंने रेस्ट लिया 15-20 मिनट का, क्योंकि ये भी अप्रॉक्स 1.5 घंटे का तो वहीं गया था। उसके बाद फिर मुझे जो है ना वो न्यूज़पेपर एनालिसिस, मैंने आजकल न्यूज़पेपर फिज़िकली पढ़ना छोड़ दिया है, मैं अभी वीडियोज़ ही देख लेता हूँ, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो मैं अभी वही न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी देखना है कि मैं कौन से चैनल से अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को देख रहा हूँ, मुझे ये बहुत रिलायबल लगता है और कॉन्फिडेंस भी आता है इस चैनल से पढ़ के, जो कि है दीपक यादव एजुकेशन, बहुत अच्छे से बताते हैं। तो जिनको भी देखना हो एक बार जाके देख कर लेना, अगर आपको समझ में आए तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसी से करता हूँ। तो अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें ये अप्रॉक्स 1.5 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे का थोड़ा सा मतलब पूरे नोट्स बनाते बनाते 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आजकल वैसे भी न्यूज़पेपर में आ नहीं रहा है, इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलेंगे अपना नेक्स्ट सेशन को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले इस टाइम तो हो गया था अच्छा खासा, अप्रॉक्स 12 बज गए थे। अभी जल्दी से ब्रश व्रश करते हैं, उसके बाद फिर अपना खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट सेशन था वो था इंडियन ज्योग्राफी का, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरा बैटरी डाउन था तो मैं चार्ज में भी नहीं लगा पाया था, तो और मुझे क्लास भी करना था अर्जेंटली, तो मैं वो नहीं कर पाया था। तो मैंने जो नेक्स्ट सेशन क्लास था वो था मेरा इंडियन ज्योग्राफी का, वो अप्रॉक्स 2 घंटे चला था,
उसके बाद मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो बाहर से क्या कुछ थोड़ा सा खाने को लेके आया और चाय के साथ। मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ इसको खा लेंगे, रात का भी हो जाएगा, ज़्यादा हैवी खाने का मन भी नहीं हो रहा था इसलिए खाना नहीं बनाया, तो इसको जल्दी से खाएंगे। उसके बाद फिर अपना लास्ट सेशन करने के लिए बैठेंगे जो कि मेरा है इन्वायरमेंट का। ये भी अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे चला था। ये मैं नोट्स ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक सही नहीं लग रहा था और सर का नोट्स ही ज़्यादा रिलायबल लग रहा था, इसके लिए मैंने नोट्स ही पढ़ाई किया। सर का नोट्स जो है वो बहुत ही क्रिस्प वे में है और बहुत ही अच्छे से बताया गया, जो सर का नोट्स इन द सेंस कि जो मुझे अपने कोचिंग की तरफ से सर ने क्लास नोट्स बताया था ना, वो सर ने जो क्लास में पढ़ाया था वो सारी चीज़ें हैं इसमें। इसको करने में अप्रॉक्स मुझे 2 घंटे तो लग ही गए थे। मेरा लास्ट सेशन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। प्रीलिम्स के लिए हम लोग बहुत जम के तैयारी करूँ।